फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी पूरे भारत में लोग ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, जिसका फायदा आपको आगे चलकर मिलने वाला है। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है या फिर बनवाने वाले हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि ई श्रम कार्ड के कौन कौन से बड़े फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप कैसे ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन या फिर बनवा सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो प्लीज़ जल्दी से करवा लीजिए, ताकि आप इस कार्ड से मिलने वाले बेनिफिट्स यानी फ़ायदे से पीछे ना रह जाए। तो चलिए जानते हैं इस कार्ड के फायदे के बारे में। फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड भारत सरकार की एक योजना है, जिसके बहुत से फायदे हैं, जिनमें से कुछ फायदे आपको अभी मिलेंगे और कुछ आने वाले समय में आपको केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं। जिनमें से पहला फायदा है, ई श्रम कार्ड वैलिड अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब ये है कि ई श्रम कार्ड पूरे भारत के हर एक राज्य और क्षेत्र में वैलिड होगा। मतलब ये समझिए कि अगर आप अपने राज्य के अलावा किसी और दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, तो आपका वो ई श्रम कार्ड उस राज्य में भी वैलिड होगा। यानी अगर वो स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में ई श्रम कार्ड के अंतर्गत कोई स्कीम लेकर आती है, तो आपको उसका फायदा उस राज्य में भी मिलेगा। दूसरा फायदा, इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवाएगा, उसे भारत सरकार की तरफ से 2,00,000 रुपये का जीवन बीमा मिलेगा, और ये बीमा आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलेगा, वो भी फ्री में। और अगर आप किसी कारणवश विकलांग हो जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। और फ्रेंड्स, इन सब के अलावा अगर फ्यूचर में कभी भी सरकार को कोई बेनिफिट्स लोगों को देनी पड़ी, तो सरकार डायरेक्ट इस बेनिफिट्स को लोगों के बैंक अकाउंट पर देगी। और इसी के साथ ही इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे कई सारे फायदे आगे चलकर लोगों को दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अपना ई श्रम कार्ड बनवाइए। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपकी उम्र 16 से 59 साल होनी चाहिए। और ई श्रम कार्ड आप कैसे रजिस्ट्रेशन या फिर बनवा सकते हैं, इसे हमने अपने पहले वीडियो में अच्छे से समझाया है, और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, एक बार जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा। ये था हमारा आज का वीडियो, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिट टेक सलामा।